मैं सुशील तिवारी आपको दिखा रहा हूं तीसरी राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन, जहां पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी इस समय है और इस समय आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं। इस समय काफी अद्भुत दृश्य है, सिगरा स्टेडियम वाराणसी का यह दृश्य है और इस समय देखिए एक अद्भुत बैंड के साथ अतिथि का स्वागत किया जा रहा है और मैं जरूर चाहूंगा मेरे वीडियो को आप पूरा देखें। मैं सुशील तिवारी स्वतंत्र पत्रकार आपको दिखा रहा हूं बैंड के साथ और 25 राज्यों के एथलीटों ने यहां पर हिस्सा लिया है और वो एथलीट इस समय अपने राज्य के बैनर तले इस समय अपने राज्य को लीड कर रहे हैं और ये इवेंट मैं आपको बता रहा हूँ 35-40 साल के ऊपर के जो लोग हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं और लगभग 80 साल व 100 साल के लोगों ने भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है और काशी की नगरी के लिए ये अद्भुत पल है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ इस समय तेलंगाना के खिलाड़ी इस समय मंच को सलामी दे रहे हैं और मैं वही आपको दिखा रहा हूँ। इस समय उम्र के इस पड़ाव में युवा शक्ति की बात होती है, इन्होंने युवाओं के उस उम्र को मिथक को तोड़ दिया और जो इनकी उम्र है उम्र यहाँ मायने रखती ही नहीं। मैं वही आपको दिखा रहा हूँ, लगभग वही मैं आपको दिखा रहा हूँ 50 साल 60 साल 70 साल चंडीगढ़ की ये टीम है और मैं वही दिखा रहा हूँ और इस समय चंडीगढ़ के ये खिलाड़ी और युवाओं छत्तीसगढ़ की ये टीम है, मैं वही आपको दिखा रहा हूँ। ये छत्तीसगढ़ की टीम और बड़े बड़े लोग जो कि इस समय मेडलिस्ट भी हैं, मैं वही आपको दिखा रहा हूँ इस समय मेरे कैमरे पे। ये देखिए काफ़ी अद्भुत दृश्य इस समय देखने के लिए मिल रहा है। गुजरात से जो टीम है इस समय मैं आपको दिखा रहा हूँ और गाजीपुर नरेंद्र मोदी का जी क्षेत्र है और काशी के लिए बड़ी सौगात और यहाँ पे देख रहे हैं उत्तराखंड, ये उत्तराखंड की टीम है और काफ़ी बेहतरीन व अद्भुत क्षण आपको और इन खिलाड़ियों की बात करें जिस तरीके से किटअप कोड है और उस उम्र को मात देते हुए ये खिलाड़ी उत्तराखंड की ये टीम है, वही आपको दिखा रहा हूँ उत्तराखंड के ये खिलाड़ी इस समय इतिहास पश्चिम बंगाल के जो खिलाड़ी हैं नगरी कर्नाटका में अपने प्रदर्शन को दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के ये खिलाड़ी जिनके किटअप कोड और ऊंची भूमि की बात करें तो वाइट ड्रेस में इस समय जम्मू एंड कश्मीर भारत का एक ऐसा इलाका खिलाड़ी और जम्मू एंड कश्मीर की ये टीम है और वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस समय जम्मू और कश्मीर के ये एथलीट हैं जो कि उतनी दूर से इस समय काशी की नगरी में इनका स्वागत है। उड़ीसा, ये उड़ीसा की टीम है और इस समय उड़ीसा की ये टीम के खिलाड़ी केरल किसी से छिपा नहीं है और केरल के एथलीट सबसे ज्यादा यहाँ पर आए हैं और ये केरल की टीम है, आप देख रहे हैं केरल की ये टीम, केरल के ये खिलाड़ी इस समय मार्च पास्ट की सलामी लेते हुए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। झारखंड वनों से आच्छादित वो प्रदेश सलामी देते हुए झारखंड के बारे में मैं आपको दिखा रहा हूं। झारखंड के साथ साथ ये देखिए मास्टर एथलेटिक्स एसोसिएशन झारखंड के बैनर तले ये खिलाड़ी अपना प्रदर्शन आपको दिखा रहे हैं। भरतनाट्यम यहाँ का लोकप्रिय से घिरा हुआ ये आंध्र प्रदेश इस समय देख रहे हैं और ये भी खिलाड़ी राष्ट्रीय मास्टर एथलेटिक्स वाराणसी की नगरी में इस समय अपने जौहर को दिखा रहे हैं और इसमें महिलाएं ही आपको मिलेंगी। देखिए यहाँ पे महिलाएं क्योंकि 50-70 के उस उम्र के पड़ाव को उन्होंने उस उम्र की सीमा को तोड़कर यहाँ पर मैराथन के इस मुकाबले में हिस्सा लिया। मणिपुर के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, मणिपुर के खिलाड़ी और देखिए एक महिला जो कि 60 साल से ऊपर इनकी उम्र होगी और इस समय अपने देश के झंडे को लीड करती हुई यहाँ पर मणिपुर का ये खेमा मैं आपको दिखा रहा हूँ। मणिपुर का खेमा वाराणसी की नगरी काशी में सिगरा स्टेडियम के तत्वाधान में इस समय मणिपुर की टीम गांगुली यानी दादा का ये प्रदेश मोहन बागान और ईस्ट बंगाल जैसी टीमें इसी मध्य प्रदेश के खिलाड़ी इस समय मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस समय मार्च पास्ट में हिस्सा लेते हुए इस समय वाराणसी की नगरी में जो इस समय जो खिलाड़ी हैं आईएएस की खान कहा जाता है, बिहार प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय इसी बिहार का हिस्सा है। पंजाब के खिलाड़ी इस समय मैं दिखा रहा हूँ उम्र को तोड़ रहे हैं, उस उम्र की आप बात करते हैं और ये वही मैं देख रहा हूँ, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश कितना अद्भुत संयोग है ये हीरे और तांबे के वैभव यहाँ के लोक समूह और जनजाति बोले सोनिहाल सत श्री अकाल यहाँ के उत्सव हुआ करते हैं, यहाँ का हर दिन एक पर्व के रूप में होता है।
यही पर कालिदास की हरियाणा है मालवा हरियाणा के खिलाड़ी है इसी मैच कर रहे हैं। और उम्र की बात करें के पश्चात महाराष्ट्र हरियाणा ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग हरियाणा है विराजमान है और हरियाणा का जो खेमा है वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। और सबसे लंबी लाइन इस समय हमारा महाराष्ट्र प्रकृति का राजधानी भी कहा जाता है। शिवाजी महाराज का ये प्रदेश मराठों का ये प्रदेश महाराष्ट्र। उसके बाद मिजोरम पर्वतों का प्रदेश मूलतः इसके साथ ही उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश की टीम है और मैं वही आपको दिखा रहा हूँ उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी इस समय लीड कर रहे हैं। मैं वही आपको दिखा रहा हूँ उत्तर प्रदेश से जो भी खिलाड़ी है इस समय मार्च पास्ट करते उत्तर प्रदेश का और इस समय मार्च पास्ट करते हुए जहाँ तलवारों की खनक आज भी वंदे मातरम सुशील तिवारी जरूर चाहूंगा मेरे वीडियो को देखें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें। जय हिंद जय भारत भारत माता की जय।